समिसकन मुक्करोची वाजलम पंगु लंग तेगिरि यत कृपातम बंदे परमानंदम वादम। जिसकी कृपा गुंगे को वाचल बोलता तथा लोले को पर्वत लांगने योग्य करती है उस परम आनंद स्वरूप माधव श्री श्याम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय बाबा श्याम प्यारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय राम श्री श्याम श्री श्याम जय जय एक बार से वरना मस्तक कृपाण से किसी मां बिहारी मानू रूप मानी तम में जानू देखा सुना नहीं कोई ऐसा बालक तू मुख बोले जैसा बिना मेरा तुम चिल्लाओ पूछ सा प्रेरण में आओ भगवानी करो परीक्षण अभी परीक्षा अब परीक्षा में तुम्हारे जाना होगा देश तुम्हारे इम्तिहान में पास न हो स्वेच्छा से जंगी डिग जाओ अभी परीक्षा हो जाएगी बनी भावना हो जाएगी ओ इस पीपल के पत्तों को लाला रहे हो दे सब पत्ते छेदन करो सावत बचे न एक बरुपरिक सावत बचे न श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम अभियां को मस्तक लेनी मनमा उसे मिलती किनी इतने में छलिया छल की नौ पत्ते पर पद पर गज दिनो पंख से एक तीर निकाला मां को नमन किया तत्काला थोड़ा बाण की एक माही पल्लव छेदन करने ताई मान मिले पाने ने एक पानी जो मिलता नहीं अब लोक तीर्थ लोक माए पगे तले रब तीर कर कश में सजाए राज जाने को बले चरण हटाया वीप ने खुल गया सारा दे बता दबा जो पग तले उसके भी था छे ओ पग तो उसके भी था छे श्याम के मीठी सी मुस्कान श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय बाबा श्याम बिहारी श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम संत मन में सिर झुकाया आशीर्वाद सुहाना पाया पूरी हुई परीक्षा तेरी हुई नाम में सूरत मेरी नहीं नाम से पूजा होगी तुम देंगे किस्ती चोरी होगी हरे का तुम करो सहारा कलयुग में भक्तों को प्यारा सिखो गुरु प्रणाम वीर में बस सुखते हैं दीन धीर में माधव अंतर ज्ञान हो गए केशव में परब्रीक हो गए बिचरा हूँ निचले अकेला होते कंबीरों का मेला ओ सुकल पहुंची एकादशी मिल गई कृष्ण मुराद रात जगाई बरबरी के ने मन में खुशी अपार ओ भगतो मन में खुशी अपार श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय बाबा श्याम बिहारी श्याम श्री श्याम जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम कल समय सुबह जाना पूछे पहुंचा बलवाना वीरों के तरकश में तीर जय देखे वीर वीर नील गगन से चंगूते नाम सुन तमाम घूमते वीर रंग पोशा के जल के नारे नारे रंग दल के उनमें निश्वर दिए सुनाई नजन आई कृष्ण कनाई बरबरी को पूजे मत वाला कहा मिलेगा भूली वाला गुरु दल का एक जवान पांडव दल का निशान गौरव दल छह वीरों का है दलबारी वहाँ मिलेंगे कृष्ण मुरारी जिसके रथ की डांस रंगी दुला बीच में है बजरंगी उस रथ में ही है बोल बजरंग बली की दूर दिखाई दी धजा धजा बीच हनुमान दर्ज हुआ श्री कृष्ण का गुण हुआ अनुमान ओ भगत गुण हुआ अनुमान नमन किया श्री
बिजिरनु मिरक सी अंतर यामी चर्वलीर को दई मंगल आजी खवग तो दई मंगल आजी शुम जोत मंगल सुखकारी जय जय बाबा श्याम बिहारी राम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम इमली का पुता गया तो नाई का दे छा गया गंगा में मुझे पवे देवो है शिकेर जुए युग सुनि कृपा किनी उत्तर की अनुमति दीनी बरबरी का नाम मैं बतलाया मुख्य द्वार से सन्मुख आया आके सबको शीश नवाया आशीर्वाद से पीछे आया रण प्रांगण में पांचो पांडव से परिचय करवाया माधव अन्य का पर्याय बताया नित्य युक्ति कण को आया मनमोहन करी मेल गे सावीरी की भव से वो तरने लगे सुनत कताब बरी गगी सहतम जनी को प्यारा किसने सुनावे बात महाभारत के युद्ध में कर दे सब वीरों को मां पर बलिक सब वीरों को हैं इनके पास सवारी लड़े लड़ाई हर वंश से कोई हटा सके न लग से एक मान से युद्ध जिसका सुन के कोरो दल घबराता इनको कोई हरा न पावे किस सभी को ये समझावे सोच विचार करे मन माए केसर बदल के ताई इसलिए की युक्ति पाई माया अपनी माया फैलाई भूमि पूजने बिना विजय लगे नहीं हाँ बरबरी के बोले पूजा की विधि बताओ ना ओ भगतो विधि बताओ ना ओ भगतो विधि बताओ ना। बरबरी रणभूमि में पहुंचते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान बरबरी का परिचय देते हैं पांडवों को कि ये पांडव पुत्र है भीम का। तीन बाण हैं इनके पास, शिव के दिए हुए हैं खास। एक बाण से युद्ध जीतता है। ऐसा युद्ध हुआ नहीं होना चर्चा हो रही कोना कोना। एक बाण से पूरा युद्ध जीतेंगे, पर इनकी एक शर्त है, जो पक्ष हारेगा उधर ये युद्ध करेंगे। शीश लेने की युद्ध उपाय, ये रणभूमि में पांडवों की विजय करानी है तो एक वीर की बलि देनी पड़ेगी। और इस महाभारत युद्ध में तीन वीर हैं, एक स्वयं कृष्ण भगवान, एक अर्जुन और एक बरबरी। बरबरी बोलते हैं कृष्ण भगवान को, हे मन विधि बताइए रणभूमि की पूजन की। अरे तुम हम अर्जुन तीन वीर इस